नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। एक कहावत कही जाती है बिहार में कि अगर चाह लें तो कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं होती बल्कि आसान हो जाती है, जिसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, जो कि छपड़ा के एक निवासी हैं, नचिकेता जी। हाँ, ये नचिकेता जी पिछले 3 वर्षों से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और महीने में 50 से 60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ बताते हैं जो किसान हैं नचिकेता जी। एकदम बिल्कुल एडवांस तरीका है, ड्रिप इरिगेशन है, जिसको बूंद प्रणाली सूक्ष्म सिंचाई बोलते हैं। हम लोग माइक्रो स्प्रिंकलर भी लगाते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है अक्टूबर के महीनों में, तो जब जी चाहे अपने खेतों में हम लोग बारिश करा देते हैं। उस तरीके का सिस्टम लगा तो लगा कि नहीं, ये बिल्कुल एडवांस तरीका है। हम लोग अपना जूता, मोज़ा, शर्ट पैंट और कोट पैंट लगाए हुए भी हम लोग अपने आते हैं खेती, ये काम करके चले जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एडवांस तरीके से हो रहा है। एक्चुअली हम लोग अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, हमारा और भी काम है, हम लोग आर ओ का अपना काम होता है, तो पेपर में हम लोग देखे 2016 में कि बिजकिशोर मेहता जी औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी पे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट काम है। तो हम और हमारे एक प्लम्बर मिस्त्री हैं मिस्टर जितेंद्र कुमार जी, वो हम लोग औरंगाबाद गए, उनके यहाँ एक दिन रहे, उनसे कुछ बातचीत हुआ। उस साल तो हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि पेपर में तभी आता है जब कुछ होने लगता है, तो वो सीज़न ख़त्म हो गया था। सेकेंड ईयर हम लोगों ने स्टार्ट किया उसको और आज हम लोग उसको कंटिन्यू अभी तक करते आ रहे हैं। तो इस तरीके से आधुनिक उपयोग, आधुनिक जो उपकरण होते हैं, साथ ही साथ खाद के द्वारा नए नए तरीकों से वो हर साल स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं और महीने के 30 से 60 हज़ार रुपये कमाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बनने को क्या कहा, इस किसान ने तो अपनी ही लाइफ बदल ली। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।